जन्योधार हिंदू आया, जो अपने आप को जन्योधार हिंदू कहता है, और जो हिंदुइज्म की नींव है उसको नहीं समझते। तो कौन सी छवि बनाई जाए? हिंदू की छवि बनाई। चुनावी मौसम के आते ही हिंदुत्व के भी अच्छे दिन आ ही गए। गुजरात चुनाव से राहुल गांधी ने चोला बदलने की शुरुआत की थी। राजस्थान का चुनाव आते आते उन्होंने कांग्रेस को हिंदुत्व के चुनावी आहुति में पूरी तरह झोंक दिया। अब कांग्रेस असली नकली का सवाल उठा रही है। हर जीव के पास ज्ञान है, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं हिंदू हूं, और जो हिंदुइज्म की नींव है उसको नहीं समझते। किस प्रकार के हिंदू हैं? तो दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस का यूं लबादा बदल लेना राजनीतिक नजरिए से कितना सही या गलत दाव साबित होगा, लेकिन राहुल गांधी ने लगता है कमर कस ली है। पहले गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान। कांग्रेस का सेक्युलर हाथ हिंदुत्व के रंग में गहरा रंगने लगा है, इसलिए बीजेपी में बेचैनी है। दूसरी प्रांत की नेता को छोड़िए, कानून मंत्री, विदेश मंत्री जैसे हैवीवेट को हमला करना पड़ रहा है। राहुल गांधी दिखावे के हिंदू हैं, न उनको हिंदुत्व की समझ है, न हिंदू परंपरा की समझ है। कभी जनेऊधारी हिंदू, कभी कैलाश की यात्रा करने वाले हिंदू, कभी अपने का गोत्र का परिचय देते हुए कौल ब्राह्मण हिंदू। वर्षों तक कांग्रेस ने राहुल गांधी की छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की बनाए रखी, लेकिन चुनाव आने के बाद उन्हें यह लगा कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है, इसमें इस छवि को बदलना चाहिए। तो कौन सी छवि बनाई जाए? हिंदू की छवि बनाई जाए। राहुल के हिंदुत्व कार्ड से असदुद्दीन जैसे नेता को भी अपनी राजनीति की पेंच दुरुस्त करनी पड़ रही है। जनेहुधारी राहुल को मुस्लिम विरोधी बताकर ओवैसी तेलंगाना में चुनावी फायदा उठा लेना चाहते हैं। जिंदगियां बर्बाद हो गई चंद्रा बाबू नायडू की वजह से। क्या ये कांग्रेस के लोग आए? क्या ये जनेहुधारी हिंदू आया जो अपने आप को जनेहुधारी हिंदू कहता है? अरे राहुल गांधी, तुम क्या जानते हमारी तकलीफ क्या है? समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि पांच राज्यों के चुनाव खत्म होने के साथ ही 2019 के महामुकाबले की उल्टी गिनती भी शुरू होने वाली है। आज उसी गांव से एक बेटा आया है आपके पास। ये सारी तैयारियां उसी की। जन्योधारु हिंदू आया जो अपने आप को जन्योधारु हिंदू कहता है, और जो हिंदुइज्म की नींव है उसको नहीं समझती। तो कौन सी छवि बनाई जाए? हिंदू की छवि बनाई।